गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मी प्राची और मैं हूँ छत्तीसगढ़ से। आज है सैटरडे और अभी जो टाइम हुआ है वो है 6:20 हो चुके हैं। आज मैं इतना जल्दी क्यों, आज मेरा ऑफिस भी नहीं है, आप लोगों को पता है मेरा वेकेशन है, अभी आज लास्ट डे है वैसे, कल तो हाँ कल संडे की छुट्टी होती है, बाकी आज बस लास्ट है। और संडे कभी छुट्टी होती भी नहीं है, मतलब नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। खैर वो छोड़िए, आज का दिन जो है वो बड़ा ही स्पेशल दिन है। थोड़े दिन पहले मैंने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस डाला था जिनमें मैंने वो मैं स्टेटस आपको एक स्क्रीन पे लगा दूँगी, जिससे कि मैंने कहा था कि दिल से उन सभी लोगों का शुक्रिया या धन्यवाद जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो उन्हीं में से दो लोग ऐसे हैं जिनसे मैं आज मिलने जा रही हूँ, पता नहीं उन लोगों के साथ शूट कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, लेकिन हाँ जो भी सिचुएशन रहेगी उसको कैप्चर करने की कोशिश करूँगी। वीडियो नहीं मिलेगा तो पिक्स तो उन लोगों के साथ मिल ही जाएगी, तो बस वही आज उन लोगों से मिलने जाना है। यहाँ से रास्ता है तीन चार घंटे का है, एक 3-4 घंटे के रास्ते पे है और एक 1.5 घंटे के रास्ते पे, तीन घंटे के रास्ते पे है और एक जो है वो 1.5 घंटे के रास्ते पे है। मैंने सोचा, मैं कहा भाई देखो फ़ोन पे मिलना, फ़ोन पे बात करना और पर्सनल बेसिस से जाके मिलना, खासकर उन लोगों से जो हमेशा आपको मोटिवेट करते हो, अच्छे अच्छे मैसेजेस करते हैं और कुछ ना कुछ उनकी बातें जो होती है वो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो मैं कहा चलो छुट्टी का टाइम है, मिल के आते हैं। तो आप भी चलिए, आज देखिए मैं पहले तो ये क्या पहन रही हूँ, सोच रही हूँ कुछ स्पेशल पहनूँ क्योंकि कुछ ड्रेसेस ऐसी होती है जो सिर्फ इन्हीं ओकेजन पे निकाली जाती है। खैर अभी सोच रही हूँ मैं, अभी मतलब पूरा पता नहीं है अभी कि क्या करने वाली हूँ, पर जो भी होगा। तो ये था मेरा एक फाइनल लुक, मैंने सिंपल अनारकली सूट पहना और इस तरह से अपना दुपट्टा वेयर किया, सिंपल कोई मतलब ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, और हैवी मेकअप तो मैं वैसे भी नहीं करती हूँ और बिल्कुल लाइट ही रखा, जितना करती हूँ उससे भी कम ही रखा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हमेशा तो आप गाड़ी में नहीं रहोगे, हमेशा घर के अंदर नहीं रहोगे। जाने से पहले सबसे पहले हम लोग पहुँचे स्वीट्स की शॉप में, क्योंकि एक दिन पहले लो तो कोई मतलब नहीं है, तो हमने सोचा जिस दिन जाएंगे उसी दिन कुछ लेंगे और खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता है। वैसे हम निकल गए अपने डेस्टिनेशन की तरफ, बहुत एक्साइटेड हूँ लोगों से मिलने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर भी कुछ कुछ हो रहा है, बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम से। यहाँ पर बताती हूँ मैं कि मैंने जहाँ जा रही हूँ मैं तो वहाँ के लिए मैंने क्या गिफ्ट लिए। तो ये दो जो ये आपको गिफ्ट दिख रहे हैं ये दो बच्चों के लिए है, पंखी और बर्फ के लिए। ये जो है वो टेडी बियर है क्योंकि लड़कियां हैं तो टेडी बियर अच्छे लगते हैं मतलब, इसलिए। बाकी ये स्वीट्स रखे हैं और बाकी एक चीज़ अभी और लेना है, फ्रूट की बास्केट, तो वो अभी हमने नहीं लिए है क्योंकि फ्रूट भी पहले से नहीं लेके रख सकते हैं, तो जब पहुंचेंगे वो हम उसी समय लेंगे। तो ये हमारा पहला डेस्टिनेशन है सिमगा, ये छत्तीसगढ़ में ही आता है, तो यहाँ पर तकरीबन हम पहले जहाँ पर हमें जाना है वहाँ पर हम पहुँच ही गए हैं समझो। थोड़ी देर बैठने के बाद अब हम लंच कर रहे हैं और लंच देखिए आप, मतलब क्या मेहमान नवाजी हुई, आप देख ही सकते हो ये सारी डिशेस दीदी ने खुद प्रिपेयर की थी। इसके अलावा ये देखिए, मतलब ये सब तो मैं इतना खा भी नहीं पाई पर बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ से निकल गए हैं और हम लोग पहुँच रहे हैं रायपुर, अब जहाँ हमें दूसरी जगह जाना है वहाँ के लिए निकल रहे हैं। ये रास्ता है वहाँ का, बस पहुँच ही गए समझो, बहुत नज़दीक है हम वहाँ के। अब हम घर की तरफ निकल रहे हैं, अंदर का ब्लॉग इसलिए शूट नहीं हो पाया क्योंकि आदि बहुत मतलब एकदम चिड़चिड़ा रहा था और इसलिए मैंने नहीं ब्लॉग शूट किया।
आई होप गाइज ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और बने रहिए प्राची व्लॉग्स के साथ, और इसी तरह के कुछ वीडियो मैं लेके आती रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइज़।